तमाम ऐसी बातें देखने को सुनने को मिल रही है जिस पर लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं। भाई देखिए ना, कहां किसी को इस बात की जानकारी हो सकती थी, कहां इस बात का अंदाजा किसी ने लगाया होगा कि शादी को एक साल नहीं गुजरा और प्रियंका निक्की तलाक की बातें भी सामने आ जाए, वो भी इन दो लवी डवी कपल को लेकर जो एक दूसरे पर प्यार लुटाए बिना एक दिन नहीं रहते। आइए आज हम आपके बीच लेकर आए हैं इससे जुड़ी बेहद स्पेशल शो को, तो इसमें स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आज देख रहे हैं आप 5 का तड़का, हमारा स्पेशल प्रोग्राम। जी हाँ, इस शो में हमेशा की तरह आज भी करेंगे हम बात टॉप 5 ब्रेकिंग न्यूज की, टॉप 5 लेटेस्ट अपडेट्स की, टॉप 5 बॉलीवुड की खबरों की। तो इंतजार किस बात का, चलिए आपको ले चलते हैं 5 बड़ी खबरों की तरफ, जिसमें पहली अपडेट आपके प्यारे प्रियंका और निक के रिश्ते से जुड़ा होगा, जिन्होंने अपने रिश्ते को ऐसे बचाया है लेकिन फिर भी ट्रॉल होते हैं वो तलाक की बातें। तो वहीं प्रियंका को निक ने नौकरानी बना दिया, ये तक बातें सामने आ रही है, क्योंकि प्रियंका का जिस तरह का अंदाज सामने आया इससे लोग इस तरह सोच रहे हैं। और इसके साथ क्या ही खबरें, आप देखिए इसके लिए हमारी ये खास स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड में निक जोनस का नाम भले ही टॉप पर ना हो, लेकिन हॉलीवुड और साथ में अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री में अब आपके बीच निक जोनस की चर्चा होगी। निक जोनस, जिनकी आवाज का जादू आपको हमेशा से उन्हें दिल देने के लिए मजबूर करता आया है। निक जोनस ने हाल ही में अपने आप को लेकर बात तो नहीं की, लेकिन निक ने अपने कूल सॉन्ग के जरिए इस बात को साबित कर दिया है कि उन्हें मौका मिले और मौके पर चांस मारना वो अच्छे से जानते हैं। खैर, ये खबर है निक और प्रियंका को लेकर, जो हाल ही में न्यूयॉर्क में इस तरह से एंजॉय करते नजर आए थे। निक और प्रियंका लास्ट नाइट जब न्यूयॉर्क में स्पॉट किए गए, न्यूयॉर्क के एक इलाके में निक अपने हस्बैंड के साथ प्रियंका चोपड़ा जब साथ साथ चलती नजर आई, तो उन्हें नौकरों की तरह छतरी लेकर चलनी पड़ी। जी हाँ, निक का ख्याल रखने वाली प्रियंका को खुद ही नौकर शाही करनी पड़ी और हस्बैंड आगे आगे बढ़ते हुए पत्नी से सेवा लेने की कोशिश में काफी ज्यादा रॉयल लुक में नजर आए। देख सकते हैं आप मोस्ट ग्लैमरस कपल प्रियंका और निक को कैसे छतरी लेकर निक के साथ चल रही हैं। प्रियंका जो उन्हें भी संभाल रही हैं, यानी कि उन्हें भी सुरक्षित कर रही हैं छतरी के साथ। बता दें आपको, न्यूयॉर्क में प्रियंका और निक को लेकर ये खबर काफी वायरल हुई है कि प्रियंका और निक के बीच तलाक होने वाला है, लेकिन हाँ, इस बात में कोई शक नहीं कि वो सिर्फ अफवाहें थी, क्योंकि प्रियंका एज अ सर्वेंट भी इस तरह से छतरी लेकर निक के साथ घूमना पसंद करती है। उन्होंने इस बात में कोई भी परेशानी नहीं अगर हस्बैंड का ख्याल रखने के लिए कुछ ऐसा भी करना पड़े। फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने मोस्ट पॉपुलर शो द कपिल शर्मा को लेकर एक बार फिर टॉप पर बने हुए हैं। जी हाँ, टॉप गॉसिप्स में बने हुए टॉक ऑफ द टाउन बने हैं, क्योंकि कपिल ने इस बार टीवी टाउन की फेमस नागिन यानी कि मौनी रॉय का उड़ाया है जमकर मजाक, दे दिया है मुंह तोड़ जवाब उन गॉसिप गर्ल्स को जो कि खुद को कहती है कि वो बातें नहीं करती। जी हाँ, टीवी से बॉलीवुड तक का अपना सफर तय करने वाली मौनी जल्द ही जॉन अब्राहम के साथ अपने फिल्म रॉ के लिए आपको दिखाई देंगी और भी कुछ शोज में, लेकिन इसी फिल्म को प्रमोट करते हुए जब मौनी जॉन अब्राहम के साथ कपिल शर्मा शो में पहुंची तो वहां हंसी की ठहाके खूब लगाए गए। जब कपिल ने मौनी से किया गया सवाल, कपिल ने पूछा मौनी से उनके नाम का मतलब, तो मौनी ने बोला इसका मतलब होता है चुप रहना, लेकिन कपिल ने उन्हें इस बात का तोड़ जवाब दिया ये कहकर कि ये कैसे हो सकता है, किसी भी लड़की को ये नाम तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। उनका कहना यही है कि कोई भी लड़की भला चुप कैसे रह सकती है, यानी चुप रहती है तो वो तो लड़की ही नहीं हो सकती। कपिल शर्मा ने इसी तरह से अपनी पत्नी गिन्नी को भी अपने निशाने पर ले लिया। जी हाँ, यानी कि उनका मतलब यही है कि शादी के बाद भी गिन्नी की इसी हरकत से कपिल शर्मा है परेशान। गिन्नी करती है इतनी ज्यादा बातें, इतना ज्यादा वो बोलती है कि कपिल को इस बात पर यकीन हो गया है कि कोई भी लड़की पर ये नाम सूट नहीं कर सकता, ना तो मौनी रॉय पर जिनके नाम का मतलब है चुप रहना। गृह प्रवेश के बाद ईशा अंबानी की भाभी आकाश अंबानी की पत्नी व
मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की इकलौती बड़ी बहू श्लोका मेहता जब नजर आई, अंबानी परिवार के बीच उनका रवैया किस तरह से लोगों का दिल जीत गया, कैसे मुकेश अंबानी का सिर फक्र से और ऊंचा हो गया अपनी बहू के संस्कार की वजह से। आप देखिए ये तस्वीर, एक अनदेखी तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर है आकाश और श्लोका की शादी के बाद की। जयमाला के तुरंत बाद श्लोका कैसे अपनी दादी सासू माँ कोकिला बेन अंबानी, अपनी सासू माँ नीता अंबानी और अपने हस्बैंड आकाश अंबानी के साथ तमाम बड़े बड़े दिग्गजों के बीच मेहमानों के सादर सत्कार में झुकी नजर आई, उनका शुक्रिया अदा करती नजर आई, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए पल्लू लेकर श्लोका मेहता अंबानी ससुराल वालों के सम्मान में कोई कमी रखती नजर नहीं आई। बता दी तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जो कि 9 मार्च को हुए उद्योगपति के अंबानी के बेटे आकाश श्लोका की शादी के दिन की है। बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन यानी कि शिल्पा शेट्टी वैसे तो अपने पतली कमर से जादू पूरी दुनिया में चलाती हैं और इंडियन फिल्म एक्ट्रेस के तौर पर उनकी पहचान 90 के दशक से ही बनी हुई है, जिस वक्त वो खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार के साथ बॉलीवुड के पर्दे पर काम करने के साथ साथ पर्दे के पीछे भी उनके साथ रोमांस के किस्सों में खूब नाम शुमार किया। जी हाँ, तब ये तक खबरें थी कि शिल्पा और अक्षय के बीच अफेयर है। इतना तक नहीं बल्कि बातें तो ये तक हो गई थी कि अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी जल्द शादी करने वाले हैं, दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। हालांकि बात तो बेहतर उन्हें ही बेहतर पता हो सकती है, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे शिल्पा और अक्षय से जुड़े एक ऐसे राज के बारे में जिसका खुलासा शिल्पा ने हाल ही में फेमस डांस रियलिटी शो सुपर डांसर के एक एपिसोड में किया, जब पहुंचे वहाँ बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी। जी हाँ, उनके पुराने को स्टार वो देव जो की धड़कन फिल्म में दीवाने थे और शिल्पा शेट्टी के प्यार में पड़े थे। खैर, शिल्पा उसे फिल्म में अक्षय की पत्नी बनी थी और उनके बच्चे की मां तक बनने वाली थी। ये बात शिल्पा ने क्लाइमेक्स सीन से जुड़ी आज बोली। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे क्लाइमेक्स सीन कुछ ऐसा ही था कि शो के दी एंड में। जी हाँ, फिल्म की कहानी के शो के दी एंड में शिल्पा अक्षय की मां बनेगी और ये बात वो देव को बताएंगे, जिसके बाद एक ऐसा ट्रेजिक होगा कि देव चला जाएगा। लेकिन इस कहानी को अलग कर फिर बाद में कहानी ऐसा पेश किया गया कि फिल्म में देव महिमा के साथ चला गया। जी हाँ, फिल्म में अंजलि के किरदार से शिल्पा काफी ज्यादा मशहूर हुई, जिसमें अक्षय और शिल्पा की रोमांस और उनकी जोड़ी काफी पसंद की गई थी। जी हाँ, स्कूल के दिनों हर एक इंसान हमेशा अपनी नटखट अदाई के लिए जाना जाता है और नटखट अंदाज से ही लोगों का दिल जीतने वाले स्टार्स में कई ऐसे नन्हे स्टार्स रहे जिन्होंने नन्ही उम्र में अपनी नटखट रूप को छुपाने में नाकामी हासिल की। स्कूल के दिनों में कैसे थे आपके फेवरेट सलमान खान और उनकी एक्स लेडी लव रही मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन? जरा देखिए ये तस्वीर, काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ये तस्वीर, जिसमें ऐश्वर्या सलमान नजर आए हैं बेहद सिंपल। बड़े होने के बाद जितने ज्यादा फिट हुए सलमान उतने ही ज्यादा सिंपल, बिल्कुल शरीफ से बच्चे की तरह स्कूल के दिनों में ड्रेस्ड नजर आए हैं सलमान। उनकी ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर हो रही है वायरल, तो वही देखिए सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन को। जी हाँ, सलमान और ऐश्वर्या की ये जो तस्वीर हो रही है वायरल, देखिए जरा आप, दोनों ही कितने खुश नजर आए हैं। दोनों की ये तस्वीर नजर आई है जो आप देख सकते हैं, स्कूल ड्रेस पहनाते भी ऐश्वर्या को उनकी मॉम तैयार करती नजर आई है। स्कूल के दिनों से ही काफी क्यूट थी ऐश्वर्या, जो पली हो कि बॉलीवुड की टाइमलेस ब्यूटी बन गई। जी हाँ, 45 साल की है ऐश्वर्या और आज वो एक बेटी की माँ है जिन्हें इसी तरह से तैयार करती है। वैसे आराध्या पर अपनी माँ की झलक काफी ज्यादा दिखाई देती हैं, जो कि छोटी उम्र में बिल्कुल ऐश्वर्या राय बच्चन की तरह ही दिखती हैं। वही सलमान को देखा आप समझ सकते हैं कि स्कूल के टाइम से भी वो काफी ज्यादा सहज रहते थे और काफी ज्यादा सीरियस रहते थे। वेल, ये था हमारा शो 5 कतर का, जिसमें हमने की बात टॉप 5 बॉलीवुड लेटेस्ट अपडेट की।
तड़का लगाकर हमने आपके बीच पेश किया था वो सारी बातें, वो नजारा बॉलीवुड सितारों का, वो जिंदगी जो हमेशा से लाइमलाइट से घिरी रहती है, सुर्खियों में बनी रहती है, जिनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स बॉलीवुड की गलियारों से निकलकर आप तक हम पहुंचाते हैं। तो इसी तरह आप देते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज को प्यार, लेकर आएंगे हम जल्द से जल्द 5 का तड़का नेक्स्ट एपिसोड के साथ, 5 ब्रेकिंग लेटेस्ट वायरल खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।